इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत में बस अब 13 दिन ही बचे हैं और दिल्ली डेयरडेविल्स की मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो साउथ अफ्रीकन बल्लेबाज क्विंटन डीकॉक आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। दरअसल डीकॉक को न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के दौरान उंगलियों में चोट लग गई थी। स्कैन्स और मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद यह पता चला कि डीकॉक की मिडिल फिंगर का जॉइंट और लेगामेंट पूरी तरीके से डैमेज हो चुका है। साउथ अफ्रीकन टीम फिजियो की माने तो डीकॉक को पूरी तरीके से फिट होने में 4 से 6 हफ्तों का समय लगेगा और इसी बीच आईपीएल भी होना है। तो वही दिल्ली डेयरडेविल्स के कोच पैडी अपटन डीकॉक की आईपीएल में अवेलेबिलिटी पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। दरअसल क्विंटन डीकॉक दिल्ली डेयरडेविल्स टीम की मजबूत कड़ी है। ड्यूमनी के आईपीएल से बाहर हो जाने के कारण डीकॉक और सैम बिलिंग्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी का भार बढ़ गया है, पर अब डीकॉक भी आईपीएल से बाहर हो सकते हैं। डीकॉक के अलावा एंजेलो मैथ्यूज भी हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार हो चुके हैं और उनके खेलने पर भी सस्पेंस बना हुआ है। अगर क्विंटन डीकॉक आईपीएल से बाहर हो जाते हैं तो क्या इसका असर दिल्ली डेयरडेविल्स की टीम परफॉर्मेंस पर पड़ेगा? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और क्रिकेट और आईपीएल से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट्स और वीडियोस के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।